आईब्रो और आईलैशेस को ग्रोथ करने के लिए मैंने अभी तक आप लोगों के साथ बहुत सारी रेमेडी शेयर कर दी है जो कि बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड रहती है। सारी रेमेडी पहले मैं खुद अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, 100% इफेक्टिव होगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने आईब्रो आईलैशेस को ग्रोथ करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं कल्याणी और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने आईब्रो को थिक, वॉल्यूमिनाइज, स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि आज की ये रेसिपी सारी रेसिपियों का बाप होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उसे पक्का से ऑन कर लेना ताकि मेरी ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और गाइस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। रेमेडी बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताती हूं जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में करते हो और उसकी वजह से आप अपने आईब्रो को ग्रोथ नहीं कर पाते हो। मिस्टेक नंबर फर्स्ट इज ओवर प्लगिंग। अगर आप भी अपने आईब्रो को ग्रो करना चाहते हो, थिक, लॉन्ग, स्ट्रांग, वॉल्यूमिनाइज करना चाहते हो, तो आपको ओवर प्लगिंग से बचना होगा। अगर गाइस आपकी आईब्रो बिल्कुल पतली हो गई है तो आप बिल्कुल प्लगिंग को भूल जाओ, ना ही आपको प्लगिंग कराना है, ना ही थ्रेडिंग, ना ही वैक्सिंग, मतलब कि आपको अपने आईब्रो को 2-3 मंथ के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो अपने रियल एक्चुअल शेप में आ सके। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना होगा गाइस कि अगर आप अपने आईब्रो को ग्रोथ करना चाहते हो तो डोंट डू ओवर प्लगिंग। मिस्टेक नंबर 2 इज ओवरलोडेड ऑफ मेकअप। जो आजकल का ट्रेंड चला आ रहा है वॉल्यूमिनाइज, थिक आईब्रो, उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपने आईब्रो पर बहुत ज़्यादा आईब्रो जेल अप्लाई करते हैं, आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को फुलर दिखाने के लिए पता ही नहीं उस पर क्या क्या करते रहते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है कि हमारे आईब्रो बढ़े या ना बढ़े हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है और जो आपके आईब्रो की हेयर लाइन होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि आईब्रो में बाल दिखते ही नहीं है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड मेकअप नहीं करना है। अगर आप अपने आईब्रो में जेल या फिर कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट अप्लाई करना छोड़ दोगे तो आपके जो आईब्रो की हेयर लाइन है वो खुद ब खुद एक्चुअल लाइन में आने लगेगी, जो आपका नेचुरल आईब्रो ग्रोथ है वो होने लगेगा। मिस्टेक नंबर 3 इज डोंट पे अटेंशन टू योर डाइट। अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन बी, विटामिन ई, एमिनो एसिड, साथ ही साथ आयरन की कमी होने की वजह से हमारे आईब्रो की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, फॉल आउट होने लगती है, तो ये जो सारे मिस्टेक्स मैंने आपको अभी बताए गाइज, इसे आपको ध्यान देना है। 2-3 मिस्टेक्स मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही आसान से मिस्टेक है जिसे कि आपको फॉलो करना है फॉर आईब्रो ग्रोथ। अब बात करते हैं नेचुरल होम रेमेडीज की। तो आज का जो हीरो इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है कस्टर्ड ऑयल, क्योंकि कस्टर्ड ऑयल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ विटामिन बी, विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो गाइज अगर आप अपने हेयर फॉल से या फिर आईब्रो फॉल आउट से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो एक बार आप कस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करके देखना, आपको 2-3 मंथ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट कस्टर्ड ऑयल को अकेले नहीं लगाना होता है, इसके साथ अगर आप 2-3 इंग्रेडिएंट और मिक्स कर लेते हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ रेमेडीज जो कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे इसे आपको रेगुलर करना है, कितने दिनों तक करना है। तो रेमेडी बनाने के लिए एक बाउल में ले लीजिए 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल, उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर मार्केट वाला यूज़ किया है, आप घर वाला भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें ऐड करना है 1 विटामिन ई कैप्सूल। अब इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। गाइस जब आप इसे मिक्स करोगे तो इसका जो कलर है वो वाइट कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारा आईब्रो ग्रोथ सीरम बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपको लेना है 1 मस्करा ब्रश, उसे इस जेल में अच्छे से डिप कर लीजिए, उसके बाद आपको इसे आईब्रो पर अप्लाई कर लेना है। देन गाइस आपको देना है एक अच्छा सा आईब्रो मसाज। मैंने यहाँ पर आपको 2-3 टेक्निक बताई है मसाज के लिए, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है सेम वैसे वैसे आपको करना है। इससे क्या होगा, आपकी आईब्रो की जो नसें होती है वो ओपन हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी जो आईब्रो की ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। गाइस इस रेमेडी की मैं पर्सनल फ़ैन हूँ, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, एक बार इसे आप ट्राई करके देखना, रिजल्ट 100% मिलेगा। गाइस इस सीरम को आप 7-8 दिनों तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। 2-3 महीनों के लिए आपको वेट करना है क्योंकि ओवरनाइट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2-3 महीना कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा।
इसके बाद आपके जो आईब्रो में ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगी ना गाइस, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी से, और साथ ही साथ दो तीन टिप्स मैंने आपको बताए हैं उससे। अगर 2 से 3 महीनों के बाद भी आपको डिफरेंस नहीं दिखता है तो आप डर्मोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं, वो आपके साथ नॉन DIY रेसिपीज शेयर करेंगे, जैसे कि कुछ मेडिसिन या फिर कोई सीरम जिसे आप अपने अगर आईब्रो पर अप्लाई करते हो तो उससे भी आपकी आईब्रो ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मैंने ट्राई किया है गाइज कि सिंपल से होम रेमेडीज बताऊँ आपको, जिसका कि आपको 100% रिजल्ट मिले और कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। आई होप कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर करना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में, तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन बाय।